अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे टमाटर की चटनी, जिसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम टमाटर, जिसे हमने इस तरह बारीक क्यूब्स में काट दिया है, और एक और आधा टीस्पून हमने लाल मिर्ची पाउडर लिया है, और एकदम पाव टीस्पून हल्दी पाउडर, और ये बघार के लिए लगेगा हमें। दो सूखी लाल मिर्ची, दो हरी मिर्ची, और आधा टीस्पून जीरा, और तीन चार कलियां लहसुन के तरह हमने इसे बारीक चॉप कर दिया है, और बिल्कुल पाव टीस्पून रई, और दो टेबलस्पून प्याज जो बघार के लिए लगेंगे हमें, इसको भी हमने बारीक काट दिया है। नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, और 150 ग्राम हमें तेल लगेगा, जो पहले आधा हम इसमें बघार के लिए डालेंगे, और बाद में दोबारा जो बघार डालेंगे इसमें आधा डालेंगे। एक पैन लेंगे हम, इसमें ये जो तेल रखे थे इसमें से आधा तेल डाल देंगे, और आधा बघार के लिए रखेंगे। उसके बाद हम थोड़ा तेल को गर्म होने देंगे, फिर सबसे पहले हम इसमें ये प्याज जो रखी थी हमने वो डाल देंगे, ऐसे गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। अब हमारी प्याज एक दो मिनट हमने इसे फ्राई होने दिया, ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया, अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। सबसे पहले हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसको थोड़ा भून लेंगे। फिर इसके बाद हमने जो ये लाल मिर्ची और हल्दी पाउडर रखा था वो डाल देंगे। फिर इसके बाद इसमें ये टमाटर डाल देंगे। इसे 3 से 4 मिनट तक ढक कर इसे गलने देंगे। ये टमाटर हमारे 3-4 मिनट से गल रहे हैं, इसे हम थोड़ा चमचे से इस तरह से मिक्स कर डालेंगे, मैश कर देंगे इस तरह। अब इसमें हम ये जो नमक रखा था, नमक आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें नींबू डाल दें, क्योंकि ये टमाटर हमारे हाइब्रिड थे। बहनों, अगर आप गौरान टमाटर ले रहे हैं तो आप नींबू नहीं भी डालें तो चलेंगे, और ये चटनी ख़राब नहीं होती। इसको आप 3-4 दिन तक भी कंटेनर में एक फ्रिज में रख के खा सकते हैं। अगर आपको 3-4 दिन रखना है तो आप इसमें 1 टेबल स्पून विनेगर भी डाल दिए तो फिर ये 4-5 दिन तक अच्छी रहेगी, खराब नहीं होगी। इसको और 2-3 मिनट पकने देंगे, पूरे अच्छी तरह भून जाए जब तक इसे गलने देंगे। इसमें हमने पानी नहीं डाला है, और अगर आप चटनी को रखना चाह रहे हैं सेव करके कंटेनर में तो आप पानी बिल्कुल भी मत डालें, तो 8 दिन तक भी ख़राब नहीं होती चटनी। टमाटर के 8 दिन तक भी फ्रिज में रखें वो अच्छी रहेगी। हम ये बिना पानी के अभी तो पानी नहीं डाले हमने, क्योंकि टमाटर में फिर पानी निकल के पानी में से गलने दें, अब इसे और 2-3 मिनट पकने देंगे। ये हमारे टमाटर 3-4 मिनट हमने इसे और रखा था, अच्छी तरह भून चुके हैं। अब इसे हम उतार लेंगे, गैस बंद कर देंगे, फिर इस पर बघार डालेगा, फिर इसे और पकेंगे। एक पैन में हम सबसे पहले ये जो बचा के तेल रखा था हमने वो डाल देंगे, फिर उसे गर्म होने के बाद ये लहसुन और ये हरी मिर्ची को हमने बीच में से अच्छी तरह कट लगाए थे, हरी मिर्ची को भी थोड़ा सा हमने तोड़ दिया है,
अब ये इसे बघार में डालते हैं। जीरा रई सब एक साथ डाल दिए हमने। फिर इसे 2-3 मिनट अच्छी तरह ब्राउन होने तक भूनेंगे। फिर हम हमारी कचड़ी पे से डाल देंगे। ये अच्छी तरह से इसे खुशबू आने तक हमें फ्राई होने देना है इसे। अभी अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है, अब इसे हम हमारे टमाटर की चटनी में डाल देंगे। अब इस तरह से हम इस पर ये बघार डाल देंगे। थोड़ी सी इसमें हल्दी पाउडर डाल के इसको इस तरह से इसे हमने 2 बार इसे डबल बघार दिया। हमने पहले एक बार बघाया, फिर बाद में और एक बार बघार डाला। इससे बहुत अच्छी टेस्टी बनती है चटनी। ये खिचड़ी के साथ बहुत अच्छी दिखती है। और इसे बस और 2 से 3 मिनट पकने देंगे, फिर हमारी चटनी तैयार। अब ये हमारी चटनी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इसे हम एक बॉल में निकालेंगे। लीजिए, ये हमारी टमाटर की चटनी तैयार है। इसे आप खिचड़ी के साथ या सादे चावल के साथ भी खा सकते हैं।